हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, केम छो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आप सबकी अपनी ममता सचदेवा। एक बार फिर से आज आप सबके साथ कुछ बातें शेयर करने वाली हूं जो आपको जान लेनी चाहिए अगर आप डोमेस्टिक एयरलाइंस के ऊपर ट्रैवल कर रहे हैं। अभी डोमेस्टिक फ्लाइट्स फुल ऑन चालू हैं, डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स ने बहुत सारे ऐसे रूल्स बना दिए हैं जो आपको जान लेने चाहिए और पूरे डिटेल में जान लेने चाहिए ताकि आपसे कोई गलती ना हो जाए और ऐसा ना हो जाए कि आप वहां जाएं और आपको डिनाई कर दिया जाए फ्लाइट में लेने से पहले। तो अगर आप जानना चाहते हैं ये पूरी इन्फॉर्मेशन कम्प्लीट, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पहले क्या होता था, जो लोग दूर से आ रहे होते थे वो एयरपोर्ट पर कुछ टाइम पहले ही पहुंच जाते थे। जैसे अगर फ्लाइट जितने बजे भी है उससे 5-6 घंटे पहले एयरपोर्ट पे चले जाते थे, घूमते फिरते थे, वहां पे टहलते रहते थे या उनको अच्छा लगता था एयरपोर्ट में जाके बैठना। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर आपकी फ्लाइट जितने बजे की भी है, जो डिपार्चर टाइम है, उससे 4 घंटे पहले ही आप सिर्फ एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो सकते हैं। 4 घंटे मैक्सिमम साइड और मिनिमम 2 घंटे पहले, कम से कम 2 घंटे पहले तो फ्लाइट से आपको एयरपोर्ट के अंदर होना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ एक प्रोसीजर्स बढ़ गए हैं जो मैं इसके बाद आपको बताने वाली हूं, जिसमें टाइम लग सकता है, जिसकी वजह से आपको मिनिमम कम से कम 2 घंटे पहले और मैक्सिमम 4 घंटे पहले ही आप जा सकते हैं। तो इस चीज को आप अपनी लिस्ट में जरूर लिख लें। अब बात आती है एक ऐसी ऐप की जो हमारी गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है कि आपके फोन में होना जरूरी है अगर आपने एयरपोर्ट जाना है, एयर ट्रेवल करना है या चाहे डोमेस्टिक फ्लाइट पे भी जाना है। उस ऐप का नाम है आरोग्य सेतु ऐप। वो ऐप ये आप स्मार्टफोन के ऊपर अपने डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप के ऊपर आपने रजिस्टर करना है और आपने जितने भी आपके क्वेश्चंस उसमें पूछे गए हैं उसका सही सही जवाब देना है। वो आरोग्य सेतु ऐप के बगैर आपको एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। अब प्रश्न ये आता है, जिन लोगों के पास में आरोग्य सेतु ऐप नहीं है वो क्या करेंगे, या जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वो क्या करेंगे। तो जिनके पास स्मार्टफोन्स नहीं है, सिंपल फोन है और उनके पास आरोग्य सेतु ऐप नहीं है, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। उनके लिए एक हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म वहां पे पेपर मोड में पड़ा होगा, तो आप उसको हाथ से भर सकते हैं। और अगर उसके ऊपर सारे ऐसे ऑप्शन टिक आप करेंगे कि आपकी सेहत ठीक है, उसके ऊपर अगर चेक करने वालों को कोई ऐसी विपदा वाली बात नजर नहीं आएगी, तो आपको एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप बिना आरोग्य सेतु ऐप के भी अंदर जा सकते हैं अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है। आरोग्य सेतु ऐप पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद में अगर सारे सिम्टम्स भरने के बाद ग्रीन कलर हाईलाइट होता है तो आप एयरपोर्ट के अंदर जा सकते हैं। अगर रेड कलर हाईलाइट होता है तो वो नो गो है, मतलब आपको एयरपोर्ट के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। उसका मतलब ये है कि शायद कोई ना कोई साइन एंड सिम्टम ऐसा है जो COVID-19 के लक्षण दिखाता है, जिसकी वजह से आपको स्टॉप भी किया जा सकता है। अब बात आती है, एयरपोर्ट एंटर होने से पहले आपको एक थर्मल स्क्रीनिंग में से निकलना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को थर्मल स्क्रीनिंग नहीं पता है। आपने यहाँ कई अच्छी अच्छी सुपरमार्केट्स में या कई जगह पे देखा होगा कि एक डिजिटल थर्मोमीटर, एक मशीन सी होती है, आपके माथे के ऊपर लाइट डालते हैं और वो बेसिकली आपकी बॉडी का टेम्परेचर भांप लेती है विद इन सेकेंड्स, तो उसको थर्मल स्क्रीनिंग बोलते हैं। एयरपोर्ट में आपको एयरपोर्ट के अंदर जाने से पहले थर्मल स्क्रीनिंग में से निकलना पड़ेगा, जिसमें कोई भी एयरपोर्ट का स्टाफ आपकी वो थर्मल स्क्रीनिंग करेगा, आपका बॉडी का टेम्परेचर चेक करेगा। अगर आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से अगर ज्यादा होगा तो आपको अंदर जाने से मनाही की जा सकती है। और अगर मान लीजिए आपका टेम्परेचर नॉर्मल है लेकिन उनको दिखने में लग रहा है कि आप अनवेल हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है या COVID-19 का कोई भी सिम्टम उनको नजर आता है, जैसे छींके आ रही हैं या गला खराब है या उनको कुछ भी ऐसा नजर आएगा, तो वो आपको एयरपोर्ट के अंदर जाने से मना भी कर सकते हैं। सारे लोग मुझे पूछेंगे कि क्या हमें मास्क लगाना अनिवार्य है। मास्क के साथ साथ आपको हैंड ग्लव्स भी अपने साथ लेके जाने चाहिए। बहुत सारे एयरपोर्ट्स में मास्क के साथ में वो ग्लव्स भी कहते हैं पैसेंजर को पहने ही रहना है ऑल टाइम्स, तो ग्लव्स और मास्क मैंडेटरी है, इसको जरूर लेकर जाएं। और एयरपोर्ट दाखिल होने से पहले से लेकर एयरपोर्ट के अंदर भी आपको वो पहनने पड़ेंगे, फ्लाइट के अंदर भी पहने रखना है। इन दोनों चीजों को आप उतार नहीं सकते हैं, इस चीज का ख्याल जरूर रखें। जो एयरपोर्ट का स्टाफ है वो आपको पीपीई किट्स पहने हुए और फेस के ऊपर एक शील्ड पहने हुए नजर आएगा। सारे के सारे स्टाफ को ये पहनना अनिवार्य है, चाहे वो ग्राउंड स्टाफ है, चाहे वो इमिग्रेशन है, चाहे वो सिक्योरिटी है,
चाहे कोई भी है जो भी एयरपोर्ट में काम करता है, ये दो चीजें वो पहने हुए आपको नजर आएंगे। अगर आपको लगता है कि किसी ने इस चीज को नहीं फॉलो किया है या वो भी COVID-19 के चलते जो रूल्स बनाए गए हैं एयरपोर्ट्स के लिए, अगर आप कोई गलती किसी की देखते हैं तो आप उनकी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं या आप उनको ये बता सकते हैं कि प्लीज फॉलो द रूल्स, हम भी फॉलो कर रहे हैं, आप भी फॉलो कीजिए। तो ये जो चीज है ये आप ही नहीं कि आपको खाली मास्क और हैंड ग्लव्स पहनने के लिए कहा जाता है, ग्राउंड स्टाफ को भी पूरा प्रिपेयर किया गया है सारे टूल्स देकर कि कहीं से भी संक्रमण फैलने के जो चांसेस है वो बिल्कुल कम रहे। अब चीज कई एयरपोर्ट से मुझे पता चली है कि कई एयरपोर्ट शूज का कवर भी देते हैं। शूज का कवर क्या होता है, कई कंट्रीज में जब मैं भी इमिग्रेशन में से निकलती थी या एयरपोर्ट के अंदर जाती थी तो एक शूज के नीचे जैसे एक लिफाफा सिर के ऊपर टोपी होती है प्लास्टिक की मान लीजिए, उस तरह से एक प्लास्टिक डला हुआ कवर सा होता है, वो शूज के ऊपर चढ़ा लो तो शूज के नीचे लगी हुई गंदगी या कोई भी कीटाणु अंदर नहीं जाएगा। तो कई एयरपोर्ट्स में ये भी अनिवार्य है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर ये चीज वो आपको बोलेंगे पहनने के लिए तो वो एयरपोर्ट्स के ऊपर प्रोवाइड की जाएगी। तो आप कहेंगे हम लोगों ने तो मास्क पहन लिया, हम लोगों ने ग्लव्स पहन लिए, हमसे तो संक्रमण नहीं फैल सकता, लेकिन हमारे बैगेज का क्या? तो आपको ये बता दूं कि एयरपोर्ट्स ने बाहर एक मशीन लगाई है, एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होने से पहले आप अपना बैगेज उस मशीन में डालेंगे अपने आप, कोई स्टाफ आपकी हेल्प नहीं करेगा, सिर्फ आपको गाइड करेगा, वो बैग्स आप अपने आप उसमें चढ़ाएंगे, उसमें इस तरह की दवाई कुछ चलेगी जिससे कि आपका बैग जो है वो फुली सैनिटाइज हो जाएगा, अगर उसके ऊपर कोई भी किसी तरह का वायरस लगा होगा कहीं से भी तो वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। अभी एयर ट्रेवल के चलते प्रेग्नेंट लेडीज, ओल्ड पीपल एंड छोटे बच्चों को ये कहा जा रहा है कि आप ट्रैवल ना करें, लेकिन बहुत मजबूरी में या कोई स्पेशल केसेस में अगर किसी को ट्रैवल करना पड़ता है तो ऑफकोर्स करना ही पड़ेगा, लेकिन अभी तक एयरपोर्ट वाले यही कह रहे हैं या एयरलाइंस वाले भी यही कह रहे हैं कि जो छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लेडीज हैं और बुजुर्ग लोग हैं वो ट्रैवल को जितना हो सके अवॉइड करें, और एयरपोर्ट में आपको सोशल डिस्टेंस मेंटेन एक दूसरे से करना ही पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। एयरपोर्ट के अंदर हर जगह साइनेज लगा दिए गए हैं, इवन पैरों के आप फ्लोर के ऊपर भी देखेंगे तो सर्कल्स या कुछ ऐसे पोस्टर्स लगा दिए गए हैं जिससे आपको खुद याद आता रहेगा कि एक पैसेंजर से कितनी दूरी पे आपको खड़े रहना है, हर जगह पे ये साइंस और पोस्टर्स आपको लगे हुए नजर आएंगे। आपको ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है पूरे थ्रू आउट एयरपोर्ट से निकलते हुए, इमिग्रेशन पे, चेक इन पे, सिक्योरिटी पे, कहीं पे भी जाके आपको पूरे एयरपोर्ट में इस चीज को फॉलो करना है। अभी तक कहा गया है कि 1 मीटर की दूरी एक दूसरे से बना के रखना जरूरी है, ऑफकोर्स हम लोग अभी कोई इंची टेप तो लेके चल नहीं रहे जो हम उस चीज को माप सकते हैं, तो इसलिए ये सारे साइनेज जो है वो हमें हेल्प करते हैं। कोशिश कीजिए स्टाफ से किसी से भी और पैसेंजर से भी थोड़ी सी दूरी बना के रखें। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है वेब चेक इन का। वेब चेक इन को हम ऑनलाइन चेक इन भी बोलते हैं, इंडिया में उसको वेब चेक इन ही मोस्टली बोला जाता है। पहले भी एयरलाइंस में वेब चेक इन होता था लेकिन ये कंपलसरी नहीं होता था, ये ऑप्शनल होता था कि जैसे मान लो मैं घर से ही अपना चेक इन करके जा रही हूं तो उससे क्या होता था, मैं मनचाही सीट अपनी बुक कर सकती थी। अब वेब चेक इन को मस्ट कर दिया गया है इस संक्रमण के चलते, ताकि कोई भी कॉन्टैक्ट जो है पैसेंजर का वो ग्राउंड स्टाफ के साथ क्लोजली ना हो, उसके चलते वेब चेक इन को एनकरेज किया जा सकता है। और 48 आवर्स आप पहले इसको कर सकते हैं, मिनिमम 48 आवर्स पहले जो फ्लाइट का डिपार्चर टाइम होता है उससे 48 आवर्स पहले चेक इन जो ऑनलाइन है वो खुल जाता है, और करीबन 1 घंटा 15 मिनट पहले ऑनलाइन चेक इन फ्लाइट के डिपार्चर टाइम से पहले बंद हो जाता है। तो मैं ये कहूंगी कि फ्लाइट डिपार्चर से 5-7 घंटे पहले ही या उससे भी जल्दी आप अपना चेक इन ऑनलाइन कर लें। डिटेल्ड वीडियो चेक इन कैसे करना है उसके ऊपर मैं एक वीडियो आपके लिए इसके बाद डालूंगी, उसको देखना भी मत भूलिएगा। जो लोग ट्रैवल करते हैं उनको पता होगा कि पहले का चेक इन कैसा होता था। हम एयरपोर्ट के अंदर नॉर्मली जाते थे, अपना काउंटर ढूंढते थे कौन सी एयरलाइन का काउंटर है, स्टाफ को जाके अपना आईडी कार्ड या टिकट देते थे तो वो हमारा चेक इन करते थे, बैगेज को तोलते थे, उसके बाद हमें बैगेज टैग लगाते थे, हमें बोर्डिंग कार्ड इशू किया जाता था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी आपने ही खुद वेब चेक इन करना है। और अगर आप कहें कि आपके घर में ये सुविधा नहीं है तो एयरपोर्ट के अंदर जाते ही कुछ एक मशीनें लगा दी गई हैं जिसपे आप खुद वेब चेक इन कर सकते हैं, एंड आई एम श्योर असिस्टेंस के लिए भी कोई ना कोई आपको आसपास में मिल जाएगा हेल्प करने के लिए। लेकिन फिर भी कोशिश करें कि कुछ वीडियोस के जरिए उसको सीख कर ही जाएं कि वेब चेक इन को कंप्लीट कैसे करना है, क्योंकि आप ही खुद अपना बोर्डिंग कार्ड प्रिंट करेंगे वहां पे और अपना बैगेज टैग भी आप खुद ही प्रिंट करेंगे और उसको खुद ही अपने बैगेज के ऊपर लगाएंगे। ही बैगेज जो हम साथ लेके जा रहे हैं वो कितना लेके जा सकते हैं उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो बैगेज
चेक इन बैगेज एक पीस ही आप लेके जा सकते हैं पर पर्सन, और हाथ में एक छोटा सा हैंड लगेज आप लेके जा सकते हैं। कई एयरलाइंस तो ये भी कहती हैं कि हैंड लगेज उतने से साइज का ही होना चाहिए जो सीट के नीचे आ जाए कि आपको सामान कक्ष को हाथ ना लगाना पड़े। तो इस चीज को मद्देनजर रखिए, बहुत ज्यादा सामान एयरपोर्ट के ऊपर लेकर मत जाइए, नहीं तो आपका जो ट्रेवल है वो डिनाई भी किया जा सकता है। सवाल उठता है कि कितना बैगेज लेके जाना है, तो हर एयरलाइन जब आप उनकी टिकट बुक करते हैं उस टिकट के नीचे बैगेज कितना अलाउड है उसके ऊपर लिखा होता है, और स्पेसिफिक रूल्स भी साथ में लिखे होते हैं कि किस साइज का बैग आप ले जा सकते हैं। अगर बहुत बड़े साइज का बैग आप हैंड लगेज के रूप में लेके जाएंगे तो उसको वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम हिंदुस्तानियों को खाने पीने का बहुत शौक है, खास करके एयरपोर्ट्स पर, और फ्लाइट में भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने टिकट खरीदी है तो हमें खाना मिले। लेकिन कोविड के चलते अब ये रूल भी चेंज हो गया है कि अब आपको फ्लाइट्स में खाना नहीं मिलेगा। ऑफ कोर्स कोविड 19 के चलते संक्रमण को फैलने से रोकना है, तो इसलिए कोई भी एयरलाइन इस चीज को लेकर चांस नहीं लेना चाहती, तो वो लोग कोई भी सर्विस फ्लाइट में नहीं दे रहे हैं, एक्सेप्ट एक पानी की बॉटल आपको सीट के ऊपर पड़ी हुई मिलेगी जिसे आप यूज कर सकते हैं और गार्बेज में डाल सकते हैं। एयरपोर्ट में भी कोई गार्बेज आपको डालना है तो उसके स्पेसिफिक बिन्स होंगे, उसी में आप डाल सकते हैं, हर तरह के बिन को आप यूज नहीं कर सकते। और आपको चलते हुए एक और बात बता दूं कि फूड कोर्ट्स खुले रहेंगे, दुकानें जो है खाने पीने की एयरपोर्ट में वो खुली रहेंगी, लेकिन उन पे वो लोग कैश जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आप या तो पेटीएम से पेमेंट करें या गूगल पे से पेमेंट करें, ताकि कोई भी करेंसी एक दूसरे को लेने देने में कोई संक्रमण ना फैले, कोई भी इन्फेक्शन ना फैले, वायरस ना फैले। तो इस वजह से वो लोग इस चीज को बिल्कुल ही अवॉइड कर रहे हैं और सिर्फ डिजिटल पेमेंट्स ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। अभी तक न्यूज ने आपको ये तो सिखा ही दिया होगा कि कितने स्टेट्स के रूल्स डिफरेंट है, यहाँ के रूल्स अलग हैं, जिस स्टेट में आप जा रहे हैं उसके रूल्स अलग हैं। तो फ्लाइट बोर्ड करने से पहले, फ्लाइट जाने से पहले जिस डेस्टिनेशन पे आप जा रहे हैं उनके रूल्स को अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि हर स्टेट में आपके उतरने के बाद के रूल्स अलग हो सकते हैं। एयरपोर्ट के ऊपर शायद आपका टेस्ट किया जाए कोविड का, या आपको 14 दिन सेल्फ क्वारंटीन के बारे में बोला जाए, आपके हाथ के ऊपर ऐसी स्टैंप लगा दी जाए कि जिसके बाद आपको 14 दिन अपने घर में सेल्फ क्वारंटीन पे आपको रखना है। तो ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आप लोगों को जान लेने चाहिए। और एक्स्ट्रा टिप मेरे ममता सचदेवा की तरफ से एज ट्रेवलर, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्लीज अगर कोई एयरलाइन आपको कोई किट देती है, पीपीई किट देती है, या कोई ऐसी स्पेशल किट फ्लाइट पर चढ़ने से पहले देती है, तो प्लीज उसको बचाने के चक्कर में संभाल के अपने बैग में मत डाल लीजिएगा, जो कि ऐसा होने नहीं देंगे क्योंकि चेकिंग भी चल रही है। तो अगर हैंड सैनिटाइजर मिलता है या फेस मास्क आपको मिलता है, कोई भी ऐसी चीज आपको एयरपोर्ट पे मिलती है आपके यूज के लिए, तो उसको प्लीज यूज करें, खुद भी संक्रमण से बचें, दूसरों को भी बचाएं। सोशल डिस्टेंस कहा जाता है उसको मेंटेन करें, जो गाइडलाइंस आपको दी गई हैं फॉलो करने के लिए, जिनको मैंने अभी डिस्कस किया है या और भी कहीं से आपको गाइडलाइंस सुनने को मिलती हैं उनको प्लीज फॉलो करें, ना अपने आप को रिस्क में डालें ना दूसरों को डालें। और आई होप कि अभी डोमेस्टिक फ्लाइट्स तो शुरू हो गई हैं और नॉर्मली सब कुछ चल रहा है, अभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी आई होप जल्दी ही शुरू होने की खबर आएगी। कुछ एक वीडियोज मैंने शेयर की हैं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल के इस वीडियो के नीचे और वीडियोज भी देख सकते हैं। तब तक के लिए मैं ममता सचदेवा ले रही हूं विदा, इसी उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कैसी लगी है आज की वीडियो बताना मत भूलिएगा। मैं ममता सचदेवा ले रही हूं आपसे विदा, कोई भी कमेंट लिखेगा उसके साथ ट्रैवल विद ममता जरूर लिखेगा, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको पता चल गया है कि मेरे चैनल का नाम चेंज हुआ है। एंड आपसे मुलाकात करती हूं बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय बाय।